नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूपी वॉरियर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत के बाद WPL 2024 के पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव, बताएंगे दोस्तों पूरी खबर आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के बहुत बड़े वाले सच्चे फैन होंगे तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करके चैनल को जो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, WPL 2024 का 14वां मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर्स के मध्य खेला गया। इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। एमआई की शुरुआत तो ज्यादा अच्छी नहीं रही, परंतु पारी के अंत होते तक 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाने में कामयाब रही। एमआई की ओर से नेट साइरल ब्रंट ने सर्वाधिक 45 रन बनाए एवं अमेलिया कर ने 39 रन की बहुमूल्य पारी खेली। यूपी वॉरियर्स की ओर से गेंदबाजी में चमारी अट्टापट्टू ने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए एवं गायकवाड ने 3 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए। दीप्ति शर्मा ने भी 1 विकेट लिए और श्यामा ठाकुर ने भी 1 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स की शुरुआत तो एमआई से भी खराब रही और मात्र 15 रनों के योग पर यूपी वॉरियर्स के 3 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। जब 41 रन के योग पर टीम का 4वां विकेट गिरा, तब यूपी वॉरियर्स की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई थी। ग्रेस हैरिस ने पारी को संभालने की बहुत कोशिश की, परंतु वो भी नाकामयाब रही। 23 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गई। सभी बल्लेबाजों ने पूरी कोशिश की अपनी टीम को जिताने की, परंतु दोस्तों इसमें दीप्ति शर्मा ने बहुत अंत तक वो लड़ी। उन्होंने 36 गेंद में 53 रन की पारी खेली, परंतु वो टीम को जीत दिला ना सकी। और दोस्तों, आज का मैच मुंबई इंडियंस की टीम जीत गई। मुंबई इंडियंस की आज के धमाकेदार जीत के बाद अगर एक नजर घुमाया जाए WPL 2024 के पॉइंट्स टेबल की ओर, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 5 मैचों में 4 जीत और 1 हार के साथ 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस की टीम, जिन्होंने 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ 8 अंक में है। तीसरे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम, जिन्होंने 6 मैचों में से 3 जीत और 3 हार के साथ 6 अंक में तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब चौथे नंबर पर है यूपी वॉरियर्स की टीम, जिन्होंने 6 मैचों में 2 जीत और 4 हार के साथ 4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। पांचवे नंबर पर है गुजरात जायंट्स की टीम, जिन्होंने 5 मैचों में से 1 जीत और 4 हार के साथ 2 अंक है और वो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी उसे प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।